मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथ, लेसन 18, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज 8. द एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ पीस ऑफ लैंड इज 300 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। आउटसाइड इट हैज़ अ रोड ऑल अराउंड इट ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग इट एट रुपीज 1.50 पर स्क्वायर मीटर। आपका ये हो गया। तो हमारी लेंथ ऑफ लैंड पीस कितनी है? 300 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ लैंड पीस इज 200 मीटर। यानी कि हमारा जो फिगर है, रेक्टेंगल है, जो वो है कितने का? 300 मीटर्स। एंड ब्रेथ उसकी क्या है? लंबाई 300 है और चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक है। अब इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो सभी तरफ क्या है? 10 10। ठीक है, 10 मीटर उसकी चौड़ाई है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर। एरिया इंटू लेंथ ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू बी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दो दो है ना, तो 3 × 2, तो 3 एक तरफ की लेंथ है, 300 मीटर एक तरफ की लेंथ 300 मीटर है, तो 3 × 300 इज इक्वल टू 900। तुम्हारी एल कितना हो गया? 900 इंटू ब्रेथ कितना है? 200 मीटर स्क्वायर। सॉरी, फिर से देखते हैं हम ये क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द लैंड 300 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द लैंड 200 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3 × 2 मीटर स्क्वायर। 300 × 200 इज इक्वल टू 6000 इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 60,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है? लेंथ ऑफ रोड विद लैंड। तो हम इसका क्या करेंगे? तो 320 हो जाएगा, ओके, एंड 200 × 2 × 10 कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऐसा 220 × 320 मीटर स्क्वायर। 220 and 320 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्क्वायर में तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7040 मीटर स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? 7040 यानी 70,400 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड क्या होगा? किसके साथ निकालना है? विद लैंड। एरिया ऑफ विद लैंड यानी टोटल एरिया एंड एरिया ऑफ लैंड। तो विदाउट, तो 70,400 माइनस 60,000 मीटर स्क्वायर। 60,000 मीटर स्क्वायर जब हम इसका माइनस करेंगे 60,000 का, यानी जो एरिया ऑफ लैंड है का माइनस करते हैं, तब हमारी वैल्यू आती है 1040 मीटर स्क्वायर। 10,000
400 मीटर स्क्वायर आती है। अब हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन में पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब जो हमारी वैल्यू आई है एरिया ऑफ रोड का 10,400 मीटर स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लेविंग द रोड इज इक्वल टू ₹1.5 मीटर पर स्क्वायर इनटू 10,400 मीटर स्क्वायर, 10,400 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1.50 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इससे मीटर स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 500, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 15,600 रुपीज़। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15,600 रुपीज़। आई हैव अगेन रिपीट दिस क्वेश्चंस सॉल्यूशंस, एंड लेंथ ऑफ द रोड लैंड कितना है 300 मीटर्स, ब्रेथ ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 200 मीटर्स। तब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर, तो 300 इंटू 200 मीटर स्क्वायर का 60,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ लैंड विदाउट रोड, ये कितना था विदाउट रोड एरिया स्टैंड, एंड लेंथ ऑफ रोड विद लैंड, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 10 का दुगुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 320 मीटर हो जाएगा। एंड ब्रेथ ऑफ रोड विद लैंड तो 220 मीटर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया ऑफ, क्यों, क्योंकि देखिए आप 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, चारों तरफ इसके ऑल अराउंड 10 हैं, तो हम इसका क्या करेंगे दुगना कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 320 मीटर 220 मीटर। एरिया ऑफ लैंड विद रोड लेंथ इनटू ब्रेथ 320 इनटू 220 मीटर स्क्वायर, जब 320 मीटर का स्क्वायर हम करेंगे तो 70,400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब इतना स्क्वायर हो जाएगा तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल एरिया एंड एरिया ऑफ लैंड, यानी एरिया ऑफ लैंड विद रोड, रोड के साथ, ठीक है, और बिना रोड के, तो अब ये क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे 70,400 में से 60,000 मीटर स्क्वायर को, तब हमारी वैल्यू आ जाएगी 10,400 मीटर स्क्वायर। जब 10,400 मीटर स्क्वायर हमारी रोड की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ लेविंग द रोड एट ₹1.5 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15,600 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 18.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, अ शीट ऑफ पेपर इज 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो 4 है आप उसे 40 कर लीजिएगा, प्रिंटिंग से आपकी बुक में छप गया है, मिसप्रिंट हो गया है सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अ स्ट्रिप 5 सेंटीमीटर वाइड इज कट फ्रॉम इट ऑल अराउंड, फाइंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप एंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एरिया ऑफ शीट एल इंटू बी, तो 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस में करेक्शन करा दिया गया है कि 4 नहीं 40 सेंटीमीटर होगा। 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 2 0 हो जाएगा और 4 6 24, तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ स्ट्रिप 5 सेंटीमीटर वाइड इज कट फ्रॉम ऑल अराउंड, यानी आप फिगर में देखो आपके क्या है, लेंथ 2 है, मतलब जो सामने है लेंथ वो, यानी ये 5 तो टोटल लेंथ कितनी हुई 10, एंड ये ब्रेथ 5 और 5 ब्रेथ इधर, तो टोटल कितनी हुई 10 हुई। तब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रिमेनिंग शीट 60 माइनस 2 इंटू 5
है ना, क्योंकि हमारे लेंथ कितनी है, एल कितना है, एल 5 है, और नीचे भी उसी के सामने वाला भी एल कितना है, 5 है, तो 5 10 हो जाएगा, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50. ब्रेथ ऑफ रिमेनिंग शीट 40 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, तो रिमेनिंग ब्रेथ शीट्स कितनी है, 30. अब हमें क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप कट आउट, एरिया ऑफ स्ट्रिप कट आउट, ये नीचे थोड़ा लिख गया है, ये यहाँ पे होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कट आउट 50 इंटू 30 इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 और 5 3 15. तो अब हमारा हो जाएगा 24 माइनस 1500, यानी एरिया ऑफ कट स्ट्रिप्स 24 माइनस 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 900. तो इसका जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 900, है ना, क्योंकि 0 0 0 0, 14 में से 5 गया तो 9, 1 में से 1 कैंसिल, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू क्लास.